नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास सेवंथ एनसीईआरटी चैप्टर सेकंड एंड चैप्टर थर्ड आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर सेकंड एंड थर्ड, चैप्टर सेकंड में है स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं और चैप्टर थर्ड में है राज्य सरकार। पहले चैप्टर सेकंड में चलते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं किसी भी व्यक्ति के जीवन में बुनियादी आवश्यकता होती है, जो स्वस्थ रहे, निरोग रहे, और उसके लिए उसको बहुत जतन करने पड़ते हैं। अगर वो अपने स्वास्थ्य की देखभाल ठीक से नहीं कर सकता है तो बीमार हो जाएगा, तो उसके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी, जो काम कर रहा है काम भी नहीं कर सकता भाई। तो अगर यदि वो बीमार हो जाता है तो क्या क्या हमारे पास या सरकार के पास क्या विकल्प हो सकते हैं उस समय? ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति बीमार ही नहीं पड़ता, हम कितना भी देखभाल कर लें कभी ना कभी तो बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसके लिए सरकार ने या हमने क्या इंतजाम किया? हम तो अपने तरफ से भाई खान पान रहन सहन ये सब दुरुस्त किए रखते हैं, ये तो हमारा अपना हो गया। लेकिन अगर हम बीमार पड़ गए तो फिर सरकार क्या हमारे लिए कर सकती है वो देखते हैं। सरकार ने इस संदर्भ में दो सेवा, एक सेवा अपना स्टार्ट किया है, हमेशा से कंटिन्यू रहा, स्टार्ट नहीं किया, हमेशा से कंटिन्यू रहा है, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। हर जगह गांव में आप देखते होंगे, गांव के किसी भी ग्राम सभा में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ करता है, यानी अस्पताल हुआ करता, जिले पे जिला चिकित्सालय हुआ करता है, और बड़े बड़े मेट्रो शहर में और बड़े बड़े चिकित्सालय हुआ करते हैं। तो पहले एक जिले के स्तर पे हम चलते हैं, तो जिले में भी स्वास्थ्य संबंधित दो प्रकार की इकाई काम करती हैं, एक सार्वजनिक सेवाएं सार्वजनिक सेवाएं और दूसरा है निजी सेवाएं। सार्वजनिक सेवाएं वो सेवाएं होती है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं वो सेवाएं होती हैं जो सरकार के द्वारा संचालित की जाती हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ, ये राज्य सरकार के द्वारा हाँ, ये आप एक बात और जान लें कि जो स्वास्थ्य संबंधी विषय है वो राज्य सूची का विषय हमारे संविधान में, इसीलिए सरकार राज्य सरकार ही इस पर ज्यादा ध्यान देती है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सरकार की है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोल दिया, वहां पे डॉक्टर को नियुक्त कर दिया, कंपाउंडर को नियुक्त कर दिया, नर्स को नियुक्त कर दिया, कोई भी मामला छोटा मोटा जाता तो पहुंच के लोग वहां पे तत्काल ट्रीटमेंट ले लिया करते हैं। उसके बाद अगर उससे बड़ा मामला होता तो लोग जिला चिकित्सालय में चले जाते हैं, वहां पर स्पेशलाइज डॉक्टर आते हैं, हर कान का अलग विशेषज्ञ हुआ, नाक का अलग विशेषज्ञ हुआ, पेट का अलग विशेषज्ञ हुआ, हड्डी का अलग विशेषज्ञ हुआ, हर बॉडी के हर पार्ट के अलग अलग विशेषज्ञ डॉक्टर वहां पर बैठ जाते हैं, सब हो जाते, मशीनें भी तमाम तरह की अवेलेबल हो जाती हैं। ये आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में आ गया। और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में सरकार के द्वारा पंजीकृत कुछ अस्पताल होते हैं, जहां पे प्राइवेट रूप से जो डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर की डिग्री लिए हुए हैं, वो बैठते हैं, वो उनका ट्रीटमेंट करते हैं। यहां पर पैसे की महत्ता नहीं है, क्योंकि सरकार के द्वारा संचालित हो रहा सार्वजनिक सेवाएं, वहां पर मात्र 1 रुपए की फीस लगती है, अपना जाइए डॉक्टर को दिखाइए और अस्पताल से दवा भी लेके जाइए। लेकिन यहां पर निजी सेवाएं, ये निजी स्वास्थ्य सेवाएं, यहां पर व्यापारिक भी हो जाता है, यहां पर अच्छी खासी लोग फीस लेते हैं, हर जिस डॉक्टर की है फीस लेंगे, दवा का भी पूरा पैसा लेंगे, और कोई और टेस्ट होगा टेस्ट का भी लोग पैसा लेंगे। अब और आगे बढ़ते हैं कि इस स्वास्थ्य सेवाओं में और सरकार ने क्या क्या किया है। जैसे भी आपने सुना होगा आयुष्मान भारत योजना,
इस योजना के, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, इस योजना के द्वारा केंद्र सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का एक राशि दिया है, दिया नहीं मतलब अगर वो जिस अस्पताल में ट्रीटमेंट कराएगा उस अस्पताल में अगर 5 लाख रुपए तक का कोई भी उसका ट्रीटमेंट होता तो उसका भुगतान सरकार करेगी, यदि उस व्यक्ति के पास आयुष्मान कार्ड है तो आयुष्मान कार्ड भी है, आप वहां जाइए ट्रीटमेंट कराइए, वहां चाहे जिस अस्पताल में जिसमें आपकी मर्जी का है वहां से इनकी पूरा बिल ले लीजिए और वो बिल उस कार्ड के साथ अपना हैंड ओवर कर दिए सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, सब इंटरकनेक्टेड है, हैंड ओवर कर दिए, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ये बहुत बढ़िया स्कीम हुई। और क्या सरकार कर रही है? ऐसा नहीं सरकारें नहीं करती हैं, करती हैं। अभी आपने कोरोना काल में देखा, कोरोना काल में जितना भी सरकारी सेवाएं हो सकती हैं इन्होंने किया, लेकिन यहां पर भी कुछ धोखाधड़ी टाइप में हो जाता, सरकार की तरफ से नहीं, निजी अस्पतालों की तरफ से। जैसे कोरोना की दवा जब अभी आई ही नहीं तो निजी अस्पताल वाले 1-1 लाख रुपए बेड का चार्ज ले लेते हैं, काहे का भैया चार्ज, ऑक्सीजन सप्लाई करने का। ये सब यहां पर भी करप्शन है, तो इसको रोके जाने की आवश्यकता है। लेकिन और क्या किया जाना शेष है? तमाम ऐसे किया जा रहा है, तमाम ऐसे टीके सरकार के द्वारा समय समय पर लगाए जाते हैं, जैसे न्यूली बॉर्न बेबी होता है तो उसको 6-7 टीके लगते हैं जो कि सरकार की तरफ से फ्री में मुहैया कराई जाती है। ये सब हमको जो भी अवेलेबल हो पाता है वो हमारी सरकारों के द्वारा ही अवेलेबल हो पाता है। अब ये आपका स्वास्थ्य सेवाएं चैप्टर नंबर 2 था, इसमें जितना कुछ था उतने हमने डिस्कस किया। अब हम चले आते हैं राज्य सरकार की तरफ। किसी लेक्चर में हमने बताया था कि केंद्र सरकारें एक केंद्र में बैठती हैं, एक राज्य में बैठती हैं, ठीक। अब आज हम पहले राज्य सरकार के बारे में हल्का सा छोटा सा चैप्टर हल्का सा डिस्कस करेंगे। केंद्र सरकार की बात नहीं यहां नहीं हो रही, सिर्फ राज्य सरकार की बात हो रही। राज्य सरकार कैसे चुनी जाती है और कैसे कार्य करती है? राज्य सरकार मेनली इनका जो एक होता है जहां पे लोग डिस्कस करते हैं, विधानसभा लिख देते हैं प्रत्येक राज्य में। अब विधानसभा में जो चुनकर जाते हैं जनता के द्वारा वो विधानसभा सदस्य कहलाते हैं, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए एमएलए हो गए भाई। और एमएलए कहा, जैसे एक जिले में एक नहीं उस जिले को विधानसभा क्षेत्र के अनुसार बांट दिया जाता है। मान लीजिए छोटा सा जिला है तो उसमें 5-6 विधानसभा क्षेत्र हो गए, तो हर विधानसभा क्षेत्र का जनसंख्या के आधार पर हर विधानसभा क्षेत्र का एक एक एमएलए होगा, वो एमएलए जनता के द्वारा चुना जाएगा। सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट खड़े करती हैं कि ताकि हमारा कैंडिडेट जीते, तो जनता जिसको पसंद करती है उसको वोट कर देती है और वो व्यक्ति एमएलए चुना जाता है, फिर वो विधानसभा में पहुंच जाता है। विधानसभा में पहुंच गया, अब जिस पार्टी के सबसे ज्यादा एमएलए रहेंगे, जितने मान लीजिए किसी पार्टी की किसी भी भारत के किसी भी राज्य का हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए किसी राज्य में 400 सीट है विधानसभा की, इस विधानसभा में 400 सीट है, तो जो पार्टी 200+1 यानी 201 जो पार्टी पाएगी वो पार्टी हो जाएगी बहुमत वाली पार्टी, यानी इस पार्टी की सरकार बनेगी, इसी पार्टी का मुख्यमंत्री भी होगा, इसी पार्टी के मंत्री भी होंगे। अब ये 201 जो पार्टी पाई तो वो कहलाई सत्ता पक्ष, उसको कहेंगे हम सत्ता पक्ष, और इसके अलावा जितने भी है पार्टियां उन सबको कहलाया जाता विपक्ष, ठीक। एक हो गया सत्ता पक्ष, एक हो गया विपक्ष।
अब इसके बाद में क्या होगा भाई, अब मान लीजिए 201 एमएलए लेकर कोई पार्टी सत्ता में आ गई, अब इसी 201 में से एक व्यक्ति होगा मुख्यमंत्री, जो जिसको सर्वसम्मति से सभी एमएलए चुनेंगे कि हाँ भाई ये हमारे विधान विधान सभा का यही व्यक्ति नेता होगा, तो वो व्यक्ति बन जाएगा मुख्यमंत्री। अब वो मुख्यमंत्री बन गया, अब मुख्यमंत्री फिर क्या करेगा, इसी 201 में से अपने लोगों को जो जिनको योग्य समझता है उसकी नियुक्ति करेगा मंत्री पद के लिए। अब मंत्री पद के लिए जब नियुक्ति करेगा तो अलग अलग विभाग होगा, जैसे एक हो गया स्वास्थ्य मंत्री और एक हो गया गृह मंत्री, एक हो गया खनन मंत्री, एक पर्यावरण मंत्री, एक हो गया जेल मंत्री, ऐसे ऐसे करके सारे मंत्रालय बढ़ जाते हैं, तो अलग अलग विभाग के मंत्री हो जाया करते हैं, 10, 12, 15 जो भी है, हालांकि उसकी सीमा की इतने परसेंट 15% साथ सीमा उसकी, उससे ज्यादा आप मंत्री नहीं रख सकते, तो मान ली 15% तक हम बना लेते हैं, ये जैसे 201 है तो 15, 30 मंत्री बन जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता कि मुख्यमंत्री सारे मंत्रियों की नियुक्ति नहीं करता, बहुत कम ही नियुक्ति करते हैं लोग, तो ये लोग अपना जो मंत्री जी लोग हैं अपने अपने विभाग से संबंधित कार्य करेंगे। ये आपका हो गया सिंपल। अब क्या हो गया, वो होता है अगर कोई भी कानून पास करना हुआ राज्य स्तर पर, तो ये जो है सत्ता पक्ष के लोग ये बिल लेके आएंगे, उस विधानसभा के पटल पे रखेंगे, वहां से क्योंकि इनके पास यहां बहुमत हो जाता है, कोई बिल आसानी से पास, 201 है तो बहुमत हो गया तो बिल आसानी से पास हो गया, तो विधानसभा के अलावा भी एक होता है विधान परिषद, विधान परिषद जो कि भारत के कुछ ही राज्यों 5 या 6 राज्यों में खाली विधान परिषद है, तो मान लेते हैं विधान परिषद को इसमें गणना कर ली, तो ये बिल कोई बिल आया विधानसभा में पास हो उसके चला गया विधान परिषद में, विधान परिषद से भी पास हुआ तो चला गया राज्यपाल के पास, राज्यपाल के पास सिग्नेचर होने के लिए। अब फाइनल फाइनली जब राज्यपाल का सिग्नेचर हो गया तो वो उस राज्य का कानून बन गया। ये आपका पूरा राज्य सरकार से थोड़ी सी जानकारी थी उसमें आपके एनसीईआरटी में, हमने उसको बढ़िया से मैनेज करके आपके सामने प्रस्तुत कर दी। आज आपका एनसीईआरटी क्लास 7th चैप्टर 2nd एंड चैप्टर 3rd आज फिनिश हुआ। कल हम चैप्टर 4 एंड 5 कवर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।